शिकायत के बाद समाज कल्याण विभाग ने लिया है निर्णय। अब लोग बताएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों की कमियां। आइए अब जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। पूरी खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जानते हैं विस्तार से। राज्य भर में लगभग 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 6,000 केंद्र अभी भी संचालित नहीं हैं। शेष सभी केंद्रों में चल रहे, लेकिन समाज कल्याण विभाग को यह शिकायत मिली है कि केंद्रों की योजनाओं का लाभ नियमित नहीं मिल रहा है और बच्चे भी केंद्र पर कम जा रहे हैं। इसके बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है कि केंद्रों पर जो भी कमियां हैं उसे उजागर करने के लिए लाभुकों के साथ जिलों में आम लोगों को जोड़ना होगा, ताकि केंद्रों की कमियों की जानकारी विभाग को सीधे मिल सके। शिकायत मिलने के 48 घंटे में उसका निष्पादन होगा। जनवरी से विभाग जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। विभाग ने जनवरी महीने से व्हाट्सएप एवं हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभागीय स्वीकृति मिल गई है और आईटी विभाग की मदद से इस काम को जल्द पूरा किया जाएगा। इस नंबर को विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। नई व्यवस्था के आधार पर केंद्रों पर कमियां देखने के बाद लोग फोटो सहित व्हाट्सएप पर शिकायत अपलोड कर सकेंगे। साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर सभी तरह की पूरी जानकारी दी जाएगी। जिस सेंटर पर भी 40 बच्चे नहीं होंगे उसकी जांच होगी। विभाग के मुताबिक हर आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 40 बच्चे को रहना जरूरी है। ऐसे में कई केंद्रों को लेकर यह शिकायत मिली है कि वहां बच्चों की संख्या कम है, जहां इसके बाद सभी सेंटर को कागज के सभी काम पर किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 6,000 केंद्र अभी संचालित नहीं हैं। 48 घंटे में शिकायत मिलने के बाद निष्पादन होगा। सरकारी या निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र को बिहार सेंटर कोड सेविका सहायिका का नाम, मोबाइल नंबर और अधिकारियों का नंबर डिस्प्ले करना होगा, ताकि लोग अपनी जानकारी अधिकारी से भी ले सकें। निजी भवनों में चलने वाले केंद्रों से बाहर बोर्ड लगाना होगा, जिस पर आंगनबाड़ी के बारे में सभी जानकारी रहे। अधिकारी स्थल निरीक्षण करने के बाद हर दिन रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के मुताबिक कलर करें, ताकि बच्चे देखकर खुश रहें। हेल्पलाइन नंबर व व्हाट्सएप नंबर को लोगों को देना है। सभी लाभुकों के पास यह जानकारी और नंबर होना चाहिए। लाभुक योजना का लाभ लें तो इस संबंध में उनसे नंबर पर मैसेज भेजें। अब तक ये थी अब तक की समाचार। मिलते हैं बाकी अगले समाचार के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।